हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS 3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 4 के CSS बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू CSS बॉक्स मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं, और मार्जिन हमारा टॉपिक रहेगा आज के वीडियो सेशन में, जो कि प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कुछ और मार्जिन से रिलेटेड टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने मार्जिन और वर्किंग ऑफ मार्जिन के बारे में डिस्कशन किया। मार्जिन का शॉर्ट हैंड किस तरह से वर्क करता है, उसके एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, और मार्जिन की वैल्यूज़ का रोल किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर हम 4 वैल्यूज़ देते हैं, 3 देते हैं, 2 देते हैं, या 1 वैल्यू देते हैं, तो वो किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करता है और किस तरह से मार्जिन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको चैनल पर लोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मार्जिन्स। तो जैसे कि हम मार्जिन के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ और CSS की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, तो हम रिलेटिव वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए हम रिलेटिव साइज़ यूनिट को यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम EM यूनिट, यानी कि जो एक EM है वो बराबर होता है फॉन्ट के करंट साइज़ के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज बेस्ड वैल्यूज़ देनी है या फॉन्ट के बेस पर वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना है, तो हम रिलेटिव मार्जिन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करता है, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव मार्जिन का यूज़ किया है, EM पॉइंट्स का यूज़ हम कर रहे हैं, और जो डिव सेक्शन के अंदर हमने इनलाइन स्टाइल को यूज़ किया है, उसमें हमने फॉन्ट का साइज़ स्पेसिफाई किया है। 3 डिव टैग्स हमने यूज़ किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट को 1 EM दिया है, सेकेंड को 2 EM दिया है, और थर्ड को हमने 3 EM स्पेसिफाई किया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसका आउटपुट हमें इस तरह से मिलने वाला है। तो नोटपैड ओपन करते हैं, और नोटपैड के अंदर हम सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट करेंगे, डॉट बॉक्स के नाम से हमने क्लास क्रिएट की, और इसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं, और इस कलर को मैं ऑरेंज दे रहा हूँ, ऑरेंज कलर स्पेसिफाई किया, और फिर उसके बाद जो विड्थ है, विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी 100 पिक्सल्स की, और हाइट भी हम इसके अंदर 100 पिक्सल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो मार्जिन है, मार्जिन हमने दिया है 1 EM। अब ये जो 1 EM एक वैल्यू है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा। 1 EM जो है वो टॉप से शुरू होगा, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट, ये चारों स्टाइल्स पे अप्लाई हो जाएगा चारों तरफ से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिव को यूज़ करना है, और इसमें हम क्लास अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स, और फिर उसके बाद हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, और स्टाइल के अंदर हमने लिया है फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ के अंदर हम दे रहे हैं यहाँ पे 1 EM, ये हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पे हम सिंपली स्पेसिफाई कर रहे हैं बाउंसिंग नॉलेज, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने BR को यूज़ किया, और इसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और इसमें हम सिंपली यूज़ करते हैं बूस्ट योर स्किल्स, और इसमें हम फॉन्ट का साइज़ जो है वो 2 EM दे रहे हैं, फिर उसके बाद BR, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमने सिंपली क्या किया,
और यहाँ पे हमने 3EM स्पेसिफाई किया और यहाँ पे हम कंटेंट जो है लिख देते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सीरीज। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रोग्राम है। इसको रन किया और डबल क्लिक करने के बाद तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई हैं। तो इसमें बाउंसिंग नॉलेज और उसका मार्जिन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है और फॉन्ट का साइज़ जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 2EM दिया है और वहाँ पे हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 300 पिक्सल दे देते हैं और इसको 150 पिक्सल्स दे देते हैं क्योंकि उसमें टेक्स्ट का कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है। और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है उसमें 1EM के अकॉर्डिंग, 2EM और 3EM के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है यहाँ पर 1EM का मार्जिन हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है चारों तरफ से और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं वो इसी तरीके से डिस्प्ले होने वाली हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं कि ये 1EM का मार्जिन है, फॉन्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर भी इसका रिज़ल्ट है और इधर भी है और इधर भी, यहाँ पर इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव मार्जिन की। तो अभी तक हमने क्या किया है, पॉजिटिव मार्जिन्स यूज़ किए हैं। तो इससे क्या होता है कि आप नेगेटिव मार्जिन्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा क्लोज़र या फिर पैडिंग का इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई किया जाता है उसको निगेट करने के लिए। और इसमें पैडिंग जो है वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल के अंदर। तो ऐसा सोच लीजिए कि हम इंटरनल मार्जिन को, जो स्पेस रिज़र्व होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसके अंदर, उसके आउटसाइड में हम जो मार्जिन्स हैं उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पे हमने दो क्लासेस बनाई हैं, एक बॉक्स के नाम से है और एक बॉक्स हेडर के नाम से है और इनको अप्लाई किया है और हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये जो इनलाइन अप्लाई किया है, जो बॉक्स हेडर है उस पर हम जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स है उसका हाइट और विड्थ हम 100 पिक्सल रखेंगे। यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल रख दिया और इसको भी हम 100 पिक्सल कर लेते हैं, 100 पिक्सल किया और मार्जिन हमने यहाँ पे हटा दिया और इसकी जगह पे हम पैडिंग स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया और पैडिंग मैंने इसके अंदर दे दिया 10 पिक्सल्स का और इसको क्लोज़ कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमारा ऑरेंज है इसके अंदर, हाइट विड्थ इसके अंदर स्पेसिफाई कर रखी है। अब एक और क्लास हम यहाँ पर बनाएंगे, डॉट बॉक्स हेडर, बॉक्स हाइफन हेडर, बॉक्स हेडर, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दे रहा हूँ पिंक। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, मैं ये सारा डिब हटा देता हूँ, एक नया डिब लिखेंगे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिब लिखा और इसके अंदर हमने क्लास जो है वो बॉक्स स्पेसिफाई कर दी। तो बॉक्स के लिए नॉर्मली अप्लाई क्या होगा, ऑरेंज कलर, हाइट और विड्थ उसकी 100 पिक्सल्स की और पैडिंग जो है 10 पिक्सल्स की अप्लाई हो जाएगी। और इसके अंदर हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक और डिव टैग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिव अप्लाई किया और इसके अंदर हम क्लास स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्लास इक्वल्स टू बॉक्स हेडर, बॉक्स हाइफन हेडर, और इसमें हमने कंटेंट क्या लिखा, बाउंसिंग नॉलेज, बाउंसिंग नॉलेज, और बाहर वाले कंटेंट के अंदर हम दे रहे हैं बूस्ट योर स्किल्स, बूस्ट योर स्किल्स। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट जब रिफ्रेश करके देखेंगे तो इस तरह से आपको ये आउटपुट नज़र आएगा। अब यहाँ पे इन चारों तरफ से इसमें 10 पिक्सल्स का मार्जिन जो है वो पैडिंग के हिसाब से इसमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या आती है
कि अगर हमें अभी ये नेगेटिव हमने यूज़ नहीं किया है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैडिंग का यूज़ करके हमने 10-10 पिक्सल्स का यूज़ कर दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कॉमन सा यूज़ है जहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें हमने एक हेडर है, हेडर का कलर हमने अलग रखा है और ये एक बॉक्स दिख रहा है जिसको हम बहुत सारे वेब पेजेस पे मल्टीपल केसेस में इसी तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं और ये कॉमन सा स्टाइल है। तो अगर हमें पैडिंग अप्लाई की है जो कि हमने इसके अंदर, अगर हमने जो टेक्स्ट है और उसका कंटेंट है वो एजेस से थोड़ा सा दूर रखा है पैडिंग की हेल्प से, तो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें एक्सेप्शन की बात अगर अपने करें यहाँ पे और ये देखें कि ऑप्शनल जो हेडर है ये उसमें मार्जिन्स की वजह से थोड़ा अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस हेडर के बीच में कंटेंट के हेल्प में डिस्प्ले हो रहा है अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने वही सेम दोनों मेथड्स रखे हैं, बॉक्स और बॉक्स हेडर क्लासेस रखी हैं और यहाँ पे हम मार्जिन जो है वो नेगेटिव दे रहे हैं, तीन मार्जिन जो है वो हमने नेगेटिव दिए, एक पॉजिटिव दिया है, यानी कि बॉटम वाला जो मार्जिन है वो हमने पॉजिटिव रखा है और बाकी के तीन यानी कि टॉप वाला, राइट वाला और लेफ्ट वाला, ये मार्जिन हमने क्या दिए हैं उसको नेगेटिव कर दिया है। तो जो 10-10 पिक्सल का गैप था वो हमने इसमें से हटा दिया है। पैडिंग हमने इसके अंदर लेफ्ट और राइट की जो है टॉप और बॉटम की इसमें हमने 5 पिक्सल्स रखी है, लेफ्ट और राइट की जो है वो 10 पिक्सल्स रखी है। तो इसको हम अप्लाई करके देखेंगे तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर से बॉटम वाला मार्जिन हमने नेगेटिव नहीं रखा है क्योंकि हमें इसमें मार्जिन चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। बाकी की तीन यानी कि टॉप वाली, राइट वाली और लेफ्ट वाली, ये हमने नेगेटिव रखी है। तो जो 10-10 पिक्सल का मार्जिन आ रहा था वो इसमें से हमने हटा दिया है। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो पैडिंग हमारे पास यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं ब्लू, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दूंगा सियान और हाइट विड्थ पिक्सल जो है वो 100 पिक्सल्स की है, पैडिंग इसके अंदर 10 पिक्सल्स का है और बॉक्स हेडर के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर दिया ब्लू का और यहाँ पे हम मार्जिन दे रहे हैं -10 पिक्सल, फिर उसके बाद -10 पिक्सल, फिर उसके बाद 10 पिक्सल और फिर -10 पिक्सल्स का। तो चारों मार्जिन्स हमने दे दिए और यहाँ पे हम पैडिंग भी यूज़ करेंगे और पैडिंग में हमने दे रहे हैं 5 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। तो ये हमारा साइज़ का स्पेसिफिकेशन हो गया और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सेव किया फाइल को और इसको अगर हम रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर तीन साइडों से जो मार्जिन था वो इसमें से हट गया और सिर्फ ये मार्जिन हमने रखा है, इसको पॉजिटिव रखा है, बाकी तीनों तरफ हमने नेगेटिव मार्जिन स्पेसिफाई किया है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम अपने स्टाइल्स पे CSS में मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो मार्जिन पे हमने डिस्कशन किया है 2 वीडियोज़ में, पहले पार्ट के अंदर हमने कुछ मार्जिनस का यूज़ किया था किस तरह से वर्क करते हैं और आज के ट्यूटोरियल में भी हमने मार्जिन्स के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।